दूसरे लोग आपसे आपका परिचय नहीं करा सकते, दूसरे लोग दूसरों का परिचय दे सकते हैं, इनसे मिलिए ये वो है, इनसे मिलिए, लेकिन आपसे मिलिए ये कौन कहेगा, ये कहने के लिए श्रीमद् भागवत कथा प्रकट हुई है। आप अपने आप से मिलिए, आप खुद को जानिए, अपना परिचय प्राप्त कीजिए, अपने आप को निहारिए, देखिए अपने आप को, अपनी उम्र को देखिए कि कितना समय बीत गया, और अपने आप को देखिए कि इस इतने समय में आपने अपना कितना परिचय प्राप्त कर लिया, कितनी पहचान कर ली, आप कितने धर्म से भक्ति से जुड़ गए हैं, आपने कितना मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर लिया है, कितने कदम आप चले हैं, ये आपसे आपका परिचय प्राप्त कराने के लिए आई है श्रीमद् भागवत कथा। आपके जीवन के साथ साथ अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जो जीवन के विषय में बताते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा जीवन के साथ साथ आपकी मृत्यु को भी सुंदर बनाने का कार्य करती है। जीवन ऐसा हो कि खिला हुआ हो और मृत्यु ऐसी हो कि जाने से पहले कोई मन में ग्लानी न हो, कोई कष्ट न हो, कोई पीड़ा न हो, इतनी सहज अवस्था में जा सके, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा आपको प्रेम तो देती ही है, साथ में आपको सावधान भी करती है। वात्सल्य तो देती है, करुणा तो देती है, क्योंकि राधा रानी का प्रेम स्वरूप इसमें समाया हुआ है, लेकिन साथ में चेतना देती है, जागृति देती है, साथ में ये बताती है कि जानो अपने आप को, मैं कौन हूं। ऐसा नहीं है कि आज तक आपने अपने आप को नहीं जानने की कोशिश की, बहुत कुछ जानने का प्रयास किया आपने। कई बार मन में ऐसे प्रश्न आए भी होंगे कि ये जो जितना दौड़ भाग कर रहे हैं ये किसके लिए करते हैं, और ये कब तक चलेगी। कभी थोड़ी देर अपने आप अकेले एकांत में बैठोगे ना तो अपने अपना परिचय ढूंढने का प्रयास करोगे, पर मनुष्य को भीड़ में रहने की आदत हो गई है, अकेले रहना नहीं चाहता। वैसे तो मौका दिया था कोरोना ने अकेले रहने का लेकिन उसमें भी व्यक्ति ने भीतर भीड़ घुसा रखी थी, अकेला एकांत में रह ही नहीं पाया था। वैसे अकेले अकेले से थे, लेकिन मन में तो बहुत कुछ बसा हुआ था, भीतर बड़ी उलझने थी, भीतर पूरा संसार आकर बस गया था और व्यथित हो गया और परेशान हो गया, मैं अकेला कैसे रहूंगा, क्योंकि भीड़ में जिनको रहने की आदत है वो एकांत में नहीं रह पाते, अकेले नहीं रह पाते, डरते हैं अकेले रहने से, डरते हैं अकेलेपन से, लेकिन कृष्ण प्राप्त होते हैं जब आप अकेले कृष्ण के साथ होते हो। वो भीड़ में कैसे आएंगे और कहां से आएंगे, जब आप अकेले अपने प्रियतम के साथ रहते हो, अपने प्यारे के साथ रहते हो, तब कोई तीसरा नहीं होता, और जहां तक कि फिर जब आप अपने आप को भी भुला देते हो फिर कोई दूसरा नहीं रहता, केवल और केवल कृष्ण बच जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, प्रेम गली अति सांकरी तामे द्विना समान। अपने आप को भी मार देना है कृष्ण भक्ति, अपने अहंकार को समाप्त कर देना है कृष्ण भक्ति, अपने भीतर के अहम को बाहर निकाल कर छोड़ देना है अहम अहम को, अहंकार को, तमाम द्वेष ईर्ष्या और रागों को बाहर निकाल देना है कृष्ण भक्ति। इसीलिए कहा कि आज तक हमने बहुत कुछ जाना, यहाँ सब समझदार है, शिक्षित है, व्यवस्थित लोग बैठे हैं, जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है, सब कुछ जाना तूने कुछ भी न जाना,
क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है, उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना। अब ये कृष्ण कथा आपको भगवान कृष्ण का दर्शन कराने आई है। आओ अरे मन, अब जान वो सत्य जिसको जानने के लिए तू इस दुनिया में आया है, इस धरती पर आया है।